ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦ ਦੋ ਖੜੇ ਕਾਕੇਲਾ ਗੋਪਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕੀ ਗੋਵਿੰਦ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ ਕਵੀਰਾ ਗੋਵਿੰਦ मेघा मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सीबीएसई सी अपडेट्स विद मेघा मिश्रा में, में। जहा मैं करती रहती हूँ आपको वेबसाइट पर चलने वाले सारे धूम धड़ाके से अवगत और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ की सीबीएसई की जो बाय एनुअल मैगजीन है उसमें सीबीएसई ने मांगे हैं सारे एजुकेटर्स प्रिंसिपल्स और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से अलग अलग आर्टिकल्स और कवर पेज ऑल्सो और मैं आपको बता दू कि बेस्ट ट्वेंटी आर्टिकल्स ही पूरे इंडिया से होने वाले हैं सिलेक्ट जो कि सेंट से मैगजीन में होंगे पब्लिश तो आप भी इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए ट्राई कीजिए कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं एज ए एजुकेटर आप कितना अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं तो ये आगे चल के भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलीट लेट्स मूव टू द सो हेलो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि मैं एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर सी का एक और सर्कुलर जो कि डेट किया गया है पंद्रह मार्च दो हज़ार तेईस को और इसका सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं इनवाइटिंग आर्टिकल्स फॉर सेनबोसेक सेनबोसेक के बारे में मैं आपको बता दूँ तो सेनबोसेक जो है वो सी की एक मैगजीन है जो कि छः महीने में एक बार पब्लिश होती है और सी बी एस सी एफिलेटेड स्कूल्स में जितने भी टीचर्स हैं प्रिंसिपल्स हैं उन सभी से डिफरेंट आर्टिकल्स हमेशा मांगे जाते हैं इस बार भी सेम यही कर रहा है सेंट बोसे तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि टॉपिक क्या क्या है आर्टिकल्स देने के मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि गाइडलाइंस क्या क्या, क्या है टाइटल ऑफ़ द सब थीम आप किस बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं वो उसके बाद नेक्स्ट अगर आप जाएँ तो कॉन्टेक्स्ट मतलब उसके बारे में थोड़ी डिटेल फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान मतलब उस प्लान को उस थीम को आपने अपने स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट किया कैसे आप बच्चों के बीच में उस चीज़ को लेकर आए कैसे टीचर्स के बीच में उस चीज़ को लेकर आए वो आपने कैसे प्लानर बनाया उसके बारे में एविडेंस आपको प्रूफ कुछ फ़ोटोग्राफ्स कुछ टेबल कुछ डाटा एनालिसिस के साथ फिर रिफ्लेक्शन कि उन सब चीज़ों को करने के बाद आपको क्या, क्या क्या लगता है कि क्या उसमें सही गया क्या उसमें गलत चली गई मतलब क्या उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स थे और क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे उसके बाद फाइनल बेस्ट प्रैक्टिसेस आप दूसरे स्कूल्स को क्या खुद की तरफ से सजेशंस देना चाहते हैं कि किस तरीके से अगर उसी प्लान को कोई दूसरा इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है तो वो और किस तरीके से उसको बेहतर बना के कर सकता है तो विदाउट गेटिंग डिलेड फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने थीम्स की तरफ तो थीम्स की तरफ जब हम जाते हैं तो फर्स्ट थीम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट थीम है एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स ऑफ पेडागोजी इसमें आपको क्या बताने के लिए कहा गया है जो सी बी एस ई के द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन पेडागॉजी में इंट्रोड्यूस कराई गई है उसका आपने कितना अपने स्कूल में यूज किया तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एन्श्योरिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इस पर मैंने अभी एक वीडियो बनाया था आप जाकर देख सकते हैं रिमूविंग बैरियर्स बिटवीन अकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स सी बी एस ई स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ इन सब के ऊपर आपने अपने स्कूल में क्या क्या इनिशिएटिव लिए वो आप एक आर्टिकल में उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं यह वहीं देखें अगर हम सब थीम टू को तो आप देख सकते हैं कि किस पे आप लिखना है इसमें आपको स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस है ना तो असेसमेंट की क्वालिटी आपने कितनी इम्प्रूव की है ना कि, कि, किस तरीके से प्लानिंग बना के उसका फ्रेमवर्क बना के आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया तो ये सब थीम टू में है इसके बाद अगर हम देखें सब थीम थ्री में तो गॉजिंग थ्री सिक्सटी कॉम्पिटेंस थ्रू असेसमेंट रिफॉर्म्स मतलब कि एन जो है वो मेनली असेसमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है असाइनमेंट बच्चों को देने पर तो इसमें दो पॉइंट्स इन्होंने देखिए हाईलाइट करने को आपको बोला है सफल एग्जाम और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड प्रोग्रेस कार्ड में आपने किस तरीके से बच्चे को उसके होलिस्टिक पूर्ण संपूर्ण होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण डेवलपमेंट में उसका कैसा प्रोग्रेस कार्ड आपने बनाया कि उस बच्चे को उसकी सारे पक्षों के बारे में पता चला फिर सफल एक एग्जाम अभी सी ने कंडक्ट कराया था ये देखने के लिए कि पर्टिकुलर क्लास के बच्चे उस लेवल का मिनिमम चीजें जो मिनिमम एजुकेशन है वो जानते हैं या नहीं तो उसमें आपका क्या फीडबैक रहा वो आप इसमें मैंशन कर सकते हैं अगर हम देखें सप्तीम फोर को तो हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेक इन्फॉर्म चॉइसेस मतलब आप अपने स्कूल में कितने बच्चों को उनका करियर के बारे में जानकारी दे पाए कितने बच्चों को काउंसिल कर पाए कितने बच्चों को आपने बताया कि स्किल डेवलपमेंट क्या होता है तो ये सब चीज़ों के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं उसके बाद फिफ्थ इज टेक्नोलॉजी यानी लर्निंग आपने अपने बच्चों को पढ़ाते समय पैडागोजी जो यूज़ की टीचिंग मैथड्स जो यूज़ की उसमें आपने कितनी टेक्नोलॉजी बेस्ड काम किए कितना आपने आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको आपने इंटीग्रेट किया एजुकेशन में कितनी चीज़ें आपने टेक्निकल पार्ट से कि वो आपको इसमें बताना है उसके बाद लास्ट थीम ऑफ द डे वी आर कमिंग टूवर्ड्स एजुकेटिंग द एजुकेटर्स आपका जो स्कूल है उसने टीचर्स के लिए कितनी वर्कशॉप्स कितने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कितने आ, ट्रेनिंग्स जो हैं वो करवाए जिससे कि उनके जो एजुकेटर्स हैं उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सके तो उसके ऊपर भी आप एक आर्टिकल जो है वो सेनबोसेक मैगजीन के लिए, लिए लिख सकते हैं अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको दी गई है दो लिंक्स एक तो लिंक ये है जहाँ पे आपको करना है आर्टिकल सबमिट फिफ्टीन अप्रैल से पहले पहले और मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल है ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल्स ही कर सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रिंसिपल्स कर सकते हैं इवन टीचर्स भी कर सकते हैं अपने स्कूल से रिल, रिलेट करके है ना कि हमारे स्कूल में ऐसा 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 हो रहा है उसके बाद स्कूल्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू गिव द कवर पेज ऑफ द मैगजीन अगर आपके स्कूल में आई टी डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं दे आर वेरी टैलेंटेड तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सेंट बोसे के लिए एक बढ़िया सा कवर पेज बनाए और कर दें सेंड इस इस फॉर्म की लिंक पर ये दोनों फॉर्म्स की लिंक मैं कर दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और आप वहाँ से कर सकते हैं इसको आ, इसको आप क्लिक करके वहां से सीधे इस पर जो है है सबमिट कर सकते हैं अपना लोगों को मेरा प्रणाम एवं राम राम अब हो चुका है मेरे जाने का सब। मैं आपको मिलती रहूंगी ऐसे ही ढेर सारे एक्साइटिंग वीडियोस लेकर आकर और आपको बताती रहूंगी की सीबीएसई क्या कुछ अपडेट करना है अपनी साइट पर तो जी तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप करिएगा ढेर सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ऑल्सो और हाँ रिमाइंडर भूला नहीं कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा जी कमेंट बॉक्स में मैं करूँगी उसका समाधान करने का पूरा प्रयास तब तक के लिए राधे राधे